बारा के पार्षद मोहम्मद भाई, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना, क्या इनके वार्ड में नया है। मेरे वार्ड में अभी कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ दिखावा है और निगम का भी दिखावा है, क्योंकि तीन साल पूरे हो चुके हैं लेकिन निगम ने मेरे वार्ड में कोई ऐसी उपलब्धि पेश नहीं की जो मैं जनता से जो वोट लेके जो जीता हूँ तो मैं जनता के काम आ सकूँ या कोई काम कर सकूँ या जनता के वादे पूरे कर सकूँ। कोई 10 बड़े कार्य बताएं आप। मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी तो ये है कि जैसे महापौर जी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कह रहे हैं स्वास्थ्य अभियान, ये मेरे वार्ड के अंदर मैं पूरे 65 वार्डों के अंदर चैलेंज करता हूँ कि मेरे वार्ड जैसा साफ सुथरा कोई वार्ड नहीं होगा, 64 वार्डों से बढ़िया साफ सुथरा मेरा वार्ड होगा। दूसरी बात, जहाँ आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके वार्ड में विकास क्यों नहीं होगा? मेरे वार्ड में विकास नहीं होगा क्योंकि जो बोर्ड बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जो पहला गुंजल है, मेरे वार्ड में ये विधायक पहला गुंजल का कहना है कि वार्ड 12 के अंदर मैं काम किसी भी तरीके से नहीं दूंगा, कोई विकास नहीं होने दूंगा किसी भी तरीके, ये मैं मेरे दम पे जो 30-35 लाख रुपए का जो काम कराया मैंने मेरे दम पे कराया। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो मेरे वार्ड के अंदर जो एक शमशान बना हुआ है, कोटा शहर के सारे शमशानों से बढ़िया स्मार्ट शमशान मैंने बनाया है UIT के माध्यम से। पहला जी ने मेरे वार्ड में 1 रुपया नहीं दिया लेकिन आज इस कंडीशन के अंदर पूरे 65 वार्डों के अंदर जो स्मार्ट जो शमशान बना हुआ, सिर्फ मेरे वार्ड का शमशान बना हुआ, जाति से मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने शमशान के अंदर विकास कराया, प्रवेश द्वार बनाया, लाइटें लगवाई है, अच्छा मॉडिफिकेशन कराया, गार्डन बनाया, ये मेरी उपलब्धि है, मेरे शमशान के लिए उपलब्धि है और हिंदू भाइयों के लिए ये उपलब्धि है। जो कोई शमशान के अंदर दिन में घुसना पसंद नहीं करता था, आज गार्डन बना हुआ, लोग रात को 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं वहाँ पर। यदि आज चुनाव होते तो आपके मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, अगर आज चुनाव होते हैं तो जनता के पास इस मुद्दों को लेके जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है, किसी भी तरीके का काम नहीं दिया, रोजगार से बेरोजगार किया है, लोगों से पैसा छीना है, दुनिया को कागजों के अंदर रिगड़ा है, 3 साल से ये कागजों में रिगड़ते आ रहे हैं 4 साल से, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये कर लो वो कर लो, ये काम कर लो वो कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इनके झूठे वादे तोते वादे। जो शांति धारीवाल इस शहर के अंदर जो विकास करा के गया है ये उसकी सफाई तक नहीं कर सकते, और ये पूरे 5 साल हो गए इनको लेकिन उन्होंने झाड़ू तक भी नहीं लगी है शहर की, ये क्या विकास कराएंगे, क्या वो कराएंगे, जो भी काम हुए और जो कांग्रेस जाने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो सीधे शांति धारीवाल जी की देन है, उन्हीं कामों को पूरा कर रहे हैं और उसी कामों को पूरा करेंगे। तो ये तीन से सीधी बातचीत, इनका सीधे तौर पर कहना था कि जनता का, जनता की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। कैमरामैन रवि के साथ गौरव चतुर्वेदी, यंग अचीवर न्यूज़।